शो. सो माई फर्स्ट क्वेश्चन लाइक स्टार्टिंग यू यू नो हम जब भी टेलीविजन देखते हैं ओके इट इज़ लाइक द रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट टाइम व्हेन यू नो व्हेन यू सॉ द प्रोमो एंड नाउ बिकॉज यू नो आई एम सीइंग यू लाइव इट समहाउ फील्स लाइक इट्स द परफेक्ट कास्टिंग एज अ मदर एंड डॉटर आई डोंट नो गिव्स दोज वाइब ओके सो यू जस्ट टेल मी समथिंग दैट व्हेन यू पीपल फर्स्ट मेट ईच अदर यू गेट टू नो क्योंकि आप बेटी हैं आप माँ है व्हाट वाज द प्योर इमोशंस बिटवीन यू एनीथिंग So I think when we met on the mock shoot day, we didn't relate as much as mother daughter. ये नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन we were on the same page when it came to our work. We both had so much to give into the mock shoot वाला scene. Ma'am had 10 things to say कि मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी, मैं बोला हाँ मैं ये कर लेती हूँ. So we were on the same page work wise. We both wanted कि हम ये mock shoot अच्छे से दें. तो that is how we related, that is how we connected. और उसके बाद जो शुरू हुआ है मतलब हम लोग ने वी डिडंट प्लान इट वी प्लान नथिंग पर जब ऋषिकेश की जर्नी शुरू हुई आई थिंक वी ऑल हैव बॉन्डेड सो वेल. पहले दिन हम शूट नहीं कर पाए थे बिकॉज बारिश हो गई थी ऋषिकेश में एंड वी हैड एन एक्सटीरियर शूट. सो वो जो हमें टाइम मिला है वी हैड दुनिया जहान की बातें करी है हम लोगों ने. वी हैड अ लॉट ऑफ टाइम. वी आर स्टिल हैविंग अ ग्रेट टाइम. यू नो व्हेनेवर आई वर्क विद एनीबॉडी ना मुझे लगता है कि अगर कोई बंदा काम को लेके सीरियस नहीं है पैशनेट नहीं है ना तो मुझे मज़ा नहीं आता है उस बंदे के साथ काम करने में. तो चाहे वो सीनियर एक्टर क्यों ना हो और छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो क्योंकि कई बार हमारे जो जूनियर आते हैं ना वो कितना कमाल कर जाते हैं एंड शी इज़ वंडरफुल. सो आई सॉ दैट शी इज़ सीरियस. सो मुझे लगा यहाँ पर तो मज़ा आने वाला है क्योंकि सेम पेज पर हैं. So and frankly speaking I have worked with many others you know her contemporaries most of them are not you know serious about their work she is very serious about her work she's not just in her look she takes care of both of that so that I like that about her so there is substance you know and that's what when an actor sees that you feel ki chal yaar maza karenge scene mein. And also itne time se ma'am kaam kar rahi hai but having the same amount of dedication having the same amount of respect for your work and passion, being passionate about your work तो वो तो डेफिनेटली सीखने मिलता है कि इतने साल लोग से आप काम कर रहे हो यू मेड अ नेम एवरी थिंग तो एक होता है ना यू स्टार्ट टेकिंग योर वर्क फॉर ग्रांटेड बट आई एम सॉरी टिल डेट आई हैव सीन हर सो सीरियस फॉर वर्क. वो हमेशा उनको लगता है कि या उन्हें लगता है कि मैं अभी भी यू नो सीन में ऐसा कुछ कर दूँ दैट इट स्टैंड आउट एंड ऑल दैट. सो डेफिनेटली दिस इज़ वॉट आई एम लर्निंग फ्रॉम एवरीबडी एल्स हियर. एवरीवन इज़ सो सीरियस अबाउट देयर जॉब जबकि उन्होंने इतने साल काम किया है. सो आई एम डेफिनेटली लर्निंग अ लॉट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस गाइस. नो एंड एवरीबडी बिहाइंड कैमरा आर ऑल्सो वेरी सीरियस एंड दे आर वेरी दे रियली वॉन्ट दिस शो टू यू नो डू वेल. सो वी आर सीइंग दैट एंड एक्टर को जब एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए ना तो फिर मज़ा आ जाता है. सो दैट्स जस्ट हैपनिंग. She is fantastic girl. She is full of gratitude, and that's what touches me about her. Because you know, achievements होती हैं लेकिन फॉर द स्मॉल थिंग्स यू हैव टू बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल एंड आई सी दैट इन हर. मुझे बहुत अच्छा लगता है. आई थिंक दैट इज़ द वाइब दैट आई लाइक अबाउट हर बिकॉज नथिंग कम्स ईजी एंड नथिंग लास्ट्स फॉर लॉन्ग. सो आई लाइक दैट अबाउट हर. सो आई कैन से दैट यू नो दैट वैल्यू दैट हर मदर हैज़ गिवन हर इट रेजोनेट्स विद मी बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम दैट सेम लर्निंग. सो आई थिंक दिस इज द परफेक्ट कास्टिंग इज इट. फर्स्ट ऑफ ऑल ओनली ग्रैटिट्यूड फॉर द फैंस फॉर गिविंग अस सो मच लव इन अबांडेंस. अदर देन दैट व्हाई आई वुड वॉन्ट यू वॉच गाइज टू वॉच दिस शो इज बिकॉज इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव शो. इट्स नॉट लाइक द वंस दैट यू गाइज हैव सीन बिफोर. डेफिनेटली यू विल लर्न समथिंग फ्रॉम दिस शो और आप कुछ ना कुछ अपने साथ लेके जाएंगे. सो वैन यू हैव सच शोज दैट विल यू नो दैट रेजोनेट्स विद मी आई एम श्योर दैट विल रेजोनेट विद एवरी अदर गर्ल हुज माई एज और हुज यंगर टू मी और हुज यू नो फेसिंग द सेम हार्डशिप्स और वट एवर. वो सब आपको इस शो में देखने मिलेंगी एंड यू विल लर्न सो मच फ्रॉम दिस शो. सो डेफिनेटली दैट इज समथिंग वाई आई वुड
you know, recommend you guys watching this show. Not because it's TV or whatever, but content important hota hai yaar, platform important nahi hota. So, agar TV mein aise shows ban rahe hai, then that is something that I would really want you guys to watch. एक नया शो है, एक नई कहानी है, लेकिन ये कहानी एक बहुत ही अर्बन सेटअप पे सेट है. नैरेटिव बहुत चेंज है, टेलीविजन स्टोरीज ऐसी नहीं बनाई गई हैं. तो यही मैं आप लोगों से कहूँगी. आई विल अपील टू ऑल माय फैंस एंड माय व्यूअर्स दैट प्लीज़ कम एंड वॉच अस. हम आपको निराश नहीं करेंगे, आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे और कहानी के साथ बहने लगेंगे. इट्स अ ब्यूटिफुल जर्नी वंशज. Please, please watch us on Sony Sub from 12th June, Monday to Saturday. On Sony Sub, 10 p.m. onwards. 10 p.m. Thank you.